दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने संडे को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही तीन T20 मुकाबलों की श्रृंखला के तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 73 रन से हरा दिया। इसके लिए रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने बेहतरीन खेल दिखाया और न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ हर क्षेत्र में भारी पड़ती दिखाई दी और भारतीय टीम ने लगातार तीनों मुकाबले जीतकर तीनों मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को क्लीन स्वीप कर दिया और T20 विश्व कप में मिली हार का बदला दोगुने तरीके से वसूल कर लिया। दोस्तों, भारत की इस जीत के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी हार के कारण के बारे में बात की है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं क्या कहा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने इस सीरीज में मिली हार के बाद। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम सबसे बेहतरीन T20 टीम है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर टीम को बेहतरीन शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई और शुरुआती दो मुकाबलों की तरह ही रोहित शर्मा ने इस मैच में भी अपनी फिफ्टी पूरी की और 31 गेंदों में 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर कप्तान होने का दायित्व निभाया। रोहित अपनी इस पारी के दौरान 5 चौके और 3 छक्के लगाए और युवा बल्लेबाज ईशान किशन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी भी की। इसके बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी होते हुए 20 ओवर में 184 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, लेकिन बदले में लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तीसरे ओवर में ही अक्षर पटेल ने डैरिल मिचेल को आउट करके भारतीय टीम की जीत की नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन की ओर लौटते चले आए। उसके चलते 18वें ओवर में फर्ग्यूसन को ऑल आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 111 रन पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन करके 73 रन से जीत दर्ज कर ली। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर जो भी निर्णय लिया वो काफी समझदारी से लिया और तीनों ही मुकाबले आसानी से जीत लिए क्योंकि वो अपने इस ग्राउंड में डेब्यू फैक्टर से अच्छी तरीके से परिचित हैं और इसलिए उन्होंने इसका अच्छी तरह प्रयोग करके हमारी टीम को हराने में कामयाबी पाई। इसके बाद दोस्तों, न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है जो उन्होंने तीनों की तीनों मुकाबलों में ही टॉस जीता। जाहिर तौर पर अगर हम जीत जाते तो हम भी हमेशा से पहले गेंदबाजी का ही फैसला लेते क्योंकि पहली पारी में गेंदबाजी करना काफी आसान होता है और हम भारतीय टीम को आसानी से कुछ कम रन के लक्ष्य पर रोक कर जीत हासिल कर सकते थे, लेकिन भाग्य उन्हीं के साथ था। इसके बाद न्यूजीलैंड के शानदार गेंदबाज शेन वोल्ट ने अपने बयान में कहा कि हमारी हार का कारण ड्यू जरूर है, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने करके दिखाया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। उन्हें देखकर किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा है कि ये वही टीम है जो T20 विश्व कप में हमारे सामने नहीं चल पाई थी, लेकिन आज इस टीम ने जिस तरीके की वापसी की है मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले T20 में सभी देशों के लिए ये टीम सबसे बड़ा खतरा बनेगी और आने वाले समय में होने वाले सभी टूर्नामेंट में शानदार जीत हासिल करेगी। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ियों ने अपनी हार के अलग अलग कारण बताए, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके ही अपने दम पर ये जीत हासिल की है। आप सभी को क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड की टीम 25 तारीख से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत हासिल करने देगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।